हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं रील्स ग्राम चैनल से एक अनदर आमिर टीआरटी इंस्टाग्राम रील्स, आमिर टीआरटी न्यू वीडियो, आमिर टीआरटी इंस्टाग्राम वीडियोस। ओके, तो ये 9 महीने पहले की वीडियो है, ठीक है। और आमिर भाई की जितनी भी कॉमेडी कंपाइलेशंस हैं वो है इसमें। और चलो यार, ये वीडियो एंजॉय करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इसकी ओरिजिनल लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर प्लीज 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 चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आमिर भाई, क्या हो गया? अरे यार, बाजार में से सब्जी ले रही, इतनी शानदार लौंडी है, मैंने चुम्मा ले लिया तो यार 3-4 रैप्टे मार दिए इसने। तो सही भी तो करा उसने, अब से आया कुछ छेड़ोगे भी तो ना तुम? नहीं ना, 3-4 रैप्टे की तो बर्दाश्त कर ही लूंगा मैं। मतलब लौंडिया जरूर छेड़ोगे? रुक जा, मैं भी। सूर्य भाई, इसके साथ बहुत गलत हुआ है, आपको इंसाफ करना होगा। बताओ क्या गलत हुआ है? सूर्य इंसाफ करेगा। इसकी गान माली और पैसा एक ना दिया, इसे धोखे में रखा गया, 700-750 का हिसाब लगाया और जम के करते रहे। भाई भाई साहब, मैंने सुना तुम जमीनें लेने बेचने का काम करो। हाँ? तो यार हमारे पास कुछ बीघों के हिसाब से जमीनें बिकवाओ यार जरा। किधर के एरिया में बताओ? ये मुरादाबाद है अपना। हाँ जी, पूरा बिकवाओ साले। हाँ। मुरादाबाद के तेरे बाप का जो पूरा बिकवाओ। अरे हो, किसी का भी बहुत फुलेगा, तुम तो बिकवाओ। पैसे आधे आधे हो जाएंगे। अबे चल, दिमाग खराब मत करे। क्या हुआ, संभल बिकवा दो। अब जा, चला गया साले, चला जा। अरे छोड़ो यार नादिर भाई। अरे आमिर भाई, तुम भले आदमी हो मैं जानता हूँ, तुम्हारी सोच ऐसी है कि तुम दूसरे के साथ भला करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ भला करेगा, मगर ये लोग ऐसे नहीं है। ना ना, भले आदमी तो हम भी नहीं है, हम भी तुम्हारे लौंडे के 50,000 लेके आज तक न दिए। मारो बहन के लड़े। तो भैया, कल हमारे अब्बा हमसे आके कहते हैं कि बेटे तूने यार मेरा दिल खुश कर दिया, तेरा आज तक कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई लड़की बाजी का केस नहीं हुआ। क्या बात है, हम भी अब्बा के सामने ऐसे हो गए। अरे अब्बा, फॉल्ट तो जब ही आगा भोफड़ी का, जब कोई करवागी, कोशिश तो हम बतेरी कर रहे हैं। आती ना रख बारी बहन की। दानिश, मतलब अब तो हम खैर ऐसे ही हैं, 20-30 रुपए से भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पहले बहुत मालदार थे भाई। पहले? हाँ। अबे साले, तू तो मेरे बचपन से साथ है, तू तो पहले भी लीचड़ था और आज भी लीचड़ है। हाँ, तो तू बचपन से साथ है मेरे? और तो चलो, ये वाली बात हम किसी और से कह देंगे। तो पहले जो थे हम बहुत मालदार थे, अब हम पहले बहुत मालदार। अबे यार, 15 तारीख की घर में शादी आ गई। आमिर भाई, ये 15 तारीख पढ़ कब की रही है? 15 तो इस बार यार 20-21 के बीच में पढ़ रही है शायद। यार 15 कोई तो आएगी। पिछली बार ऐसा था ना, 28 में पड़ी थी, 14 तारीख। आमिर भाई यार, सिगरेट मंगा लो आज। ना यार भैया, मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ यार, तुम ले आओ अपने पैसों से। चलो भाई, हम अपने पैसों से ले आएंगे। हाँ दो ले आइयो। क्यों भाई, तुम तो पीते ही ना हो। ना पीता नहीं हूँ, लेकिन ले लेके रख लेता हूँ अपने सभी दोस्तों से। 9 इकट्ठी हो गई, अब तुम दोगे 10 हो जाएंगे, दुकानदार को बेची हूँ। तो हमारे पैसों से कारोबार खोल रखा। हाँ, कार जो निकाली वो ऐसी तो निकाली। जब से मैंने तरक्की की है, बहुत लोग मेरे पीछे हैं। ये बात तो सही है आमिर भाई, चिकनी भी तो बहुत है तुम्हारी। हम भी तो इसलिए पीछे हैं तुम्हारे। अबे भूतनी के, मैं तरक्की को कह रही था साले। अरे यार दानिश भाई, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है और आज रात तक चाहिए तुमसे यार। आमिर भाई उदास कैसे, 10,000 रुपए हम देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई क्या? ना तबीयत खराब ना, रात को शादी है मोहल्ले में और अंडियां आ रही बताई है, तो उनपे पैसे लुटाने यार। अब तुम्हें पता ही है, ना लुटाओ तो बात खराब है। बेंचर, हमें लगा तबीयत खराब हो गई, रंडियों की बातें चल रही है। भाई यही था वो। ये मेरा भाई है दिलावर। अगर ये कुछ भी गलती कर रही है ना, तुम तो मारो भोसड़ी वाले को। बड़े कुछ सही है,
लो भैया, बहुत अच्छा। बड़े भाई को लेकर तुम तो बहुत जलील हो यार आमिर भाई, और आज से मैं तुम्हारी दावत नहीं करूंगा बिल्कुल भी। क्यों भैया, क्या हो गया यार? तुमने हमारी चम्मच चुरा ली। अबे ओए पागल है क्या? मैंने नहीं चुराई कोई भी चम्मच, तेरी भगोना चुराया। अब देखो भाई, अगर मेरी राय मानो तो मत निकालो। तुम्हारी राय माने, मेरा लैंड राय हो गई हमारी। कार ना निकालो साल, निकाल लो। देखो भाई, अब हम तो अपने कारोबार पे सेट हो गए। अबे तुम्हारा कौन सा कारोबार है? मतलब हमारा नहीं, हमारे पापा का जो कारोबार है उसमें हम सेट हो गए। अबे तेरे पापा भी पूरे पूरे दिन खाली रहे मैं। हाँ तो उस पे अब हम सेट हो गए, अब हम भी खाली रह करेंगे पूरा दिन। हमारे बाप से ही कुछ ना हुआ तो उनके लेंगे, हम तो खुद खाली रहेंगे। आमिर भाई यार, मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं? अरे पागल है तू, क्यों नहीं करेगा? तू बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अबे अभी तो तू ऐसा है, आगे चल के तू इतनी तरक्की करेगा, और मेरा दिल कहता है एक दिन तू जेल भी जाएगा। मुझे इतनी तरक्की ना करनी, जेल जाऊंगा क्या मैं? अरे करेगा यार तू तरक्की। अरे जावेद भाई यार, एक बात थी। हाँ बताओ आमिर भाई। मैं कह रही हूँ अपने घर कोई कुत्ता थोड़ी है। नहीं यार, हमारे घर तो कोई कुत्ता नहीं है। हाँ यार मैं यही तो कहूँ, तुम्हारे घर तो सब सुअर है। दानिश भाई यार, चेहरे में दाने बन रहे हैं बहुत अच्छे है भाई। देखियो थोड़ी पे भी बन गया यार, और देखियो गाल पे भी बन गया। आप तो बनना यार, और नाक के नीचे नया नया आ रहा। देखो अबे वो साले थप्पड़ मारूंगा, सुन तो ली मैंने, कितनी बार बताएगा? तुमने पूछ ही ना यार बन क्यों रहे हैं। हाँ चल बता क्यों बनना है। काजू बादाम बहुत खा रही हूँ इस टाइम। भर के काजू बादाम लाए पापा। बताओ तो साले, ये कहना नॉलेज बताना चाह रही है हमसे। काजू बादाम खा रही है फैजान यार, बहुत दिमाग खराब हो रहा, बिल्कुल अकेलापन लगने लगा। दिल तो ये कर रहा है कि एक कंटेनर भर के आवे लोंडियों से और यहीं पलट जावे। 10-12 लोंडिया उठा के भाग जाऊंगा मैं। 10-12 इतना वजन उठा पाओगे आप? अरे यार मुझे शादी में जाना, टेंशन हो रही है अब। अबे तो टेंशन क्यों ले रही है, शादी में जाके दावत खाइए। अरे यार तुम्हें पता, नए कपड़े पहन के जाऊंगा जरा देर में, 8-10 लड़की सेट हो गई, कौन जिम्मेदार है? 8-10 लड़की जाएंगे, 2-4 लोगों की बात अलग है। तुमसे कहाँ से लोंडिया सेट हो जाएंगे? अरे हो जाए, नए कपड़े ऐसे कैसे हो जाएंगे यार? तेरे भाई का सपना कि पापा तुम अब आराम करो, घर बैठो, अब पैसा तुम्हारा लोंडा कमाएगा। अरे वाह, सही कह रहा है यार आमिर, आज चल नौकरी ढूंढने चलते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन एक मिनट यार, अभी कुछ दिन और मजे ले लो, पापा को ही कमान दो। अरे साले अभी तो कह रही है पैसे कमाएंगे। मैं तो मजाक कर रहा, मैं तो मजाक कर रहा। जावेद भाई गधे के अंदर एक खास बात है, उससे कुछ भी पूछ लो लेकिन जवाब नहीं में ही देगा। अरे नहीं यार मैं नहीं मानता, ऐसा कैसा नाम है जवाब देगा? चेक करा दे। हाँ कराओ। दानिश भाई क्या तुम गधे हो? नहीं। तू कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं जब जब तेरे साथ खड़ा रहूंगा, जब जब तेरी जेब में पैसा रहेगा। कितना अच्छा दोस्त है। मतलब जब पैसा नहीं हुआ तो क्या करेगा? तो गाड़ भर ये जाओ भी, हमारे पास क्यों होगा, निकलो तुम। ऐसा होता हुआ ना मेरे साथ। ओफो फैजान, एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाइए। अबे तू आ जा, इससे नंगे फुक्के से दोस्ती रख रही है तू? अबे साले इन्होंने 2 लाख का प्लॉट बेचा है, इनके पास पैसे हैं अभी। नादिर भाई पैर वैर दबा दूं मैं तुम्हारे? पैर में दबाऊंगा, फिर दबा तू। असलियत, जिंदगी की असलियत। भाई मैंने आपका कई लोगों से एड्रेस पूछा लेकिन किसी ने बताया नहीं। भाई हंस क्यों रहे हो? अरे जब हमें कोई जानता ही नहीं तो एड्रेस के मेरा लैंड बताएगा? पहचान ही नहीं मैं कोई जानता ही नहीं, मतलब काय के भाई, काय के भाई। आमिर भाई मेरी लड़ाई हो गई, चलियो जरा। वाह कितने लौंडे हैं? 5 हैं। अबे यार मुझे इमरजेंसी दावत में जाना,
भोसड़ी के गलत टाइम पे लड़ाई करता हर बार तू भाई साले टाइम तो देख ले अगर सही है ना सही है अभी जाना है चिंतावंत में यार। अरे वो जो था अबे ये कौन है जो होटल में जाके जा रहा है यार? चेयरमैन साहब है। अरे होगा चेयरमैन, दो मिनट में साले का होटल बुटर उतरवा दूं अभी। ओ भाई इतनी पावर है तेरी? हाँ यार हमारी तो पावर ही ना अरे साला ने एक तो कार ले ली नहीं स्विफ्ट और ऊपर से बुलेट भी निकाल ली तो क्या हो गया? अब तो भैया अब इनसे चले ना हम चल ना हम मेरे पापा भी कह रहे हैं चलो इनसे घूम वो बद्दू अभी तो सालों को पता ना कैसे चाहिए नादिर को तूने मारा अबे? हाँ मैंने ही मारा बता। उसे तो तूने मार लिया। एक मिनट साले तू क्या बे तुझे भी यही मारूं अभी। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुन लो पूरी, मैं कह रही हूँ उसे ही मारियो, मैं उसके साथ ही रहता हूँ दोस्त वोस्त ना हूँ, कभी मुझे भी लपेटे में ले लो लपेटे में आएगा यार। देखिए यार मैं मारूंगा। क्यों भाई आमिर जब तेरी फैजान के मैं दावत थी तो गया क्यों ना था? अरे यार वहाँ लड़की की शादी थी लिफाफा देना पड़ता। लड़के की होती तो हराम तोड़ी आता, अब लिफाफा दो यार तो 150 लिफाफे में तो इतने का ही खाओ पाएगा क्या? बड़े जलील आदमी तुम तो यार। अबे यहाँ चल ना रिया। कहाँ को? अबे सामने दावत ना है ना यार, यहाँ से हमारी दावत ना आई। अरे तो दावत तो हमारी भी ना आई। सबसे फनी मूव लगता है मुझे इनका, मतलब सबसे फनी एक्सप्रेशन लगता है इनके, मतलब घूम के एकदम एक्सप्रेशन देंगे और इतनी फनी फनी चेहरे बनाते हैं। ए भगवान क्या ही बात है। अच्छा आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, मैंने तो देखो नोटिस किया, ठीक है मैंने नोटिस किया कि जितनी भी बातें थी जितने भी ये फनी डायलॉग्स बनाकर बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं तब वो फनी लगता है, लेकिन अगर उस चीज को नोटिस करो तो वो बहुत ही ज्यादा असलियत वाली बात होती है। लाइक मतलब कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की तरक्की देख के उन्हें जलन होती है ना, तो वो उसको बद्दुआ देने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं ना, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं कि हाँ भाई क्यों कमा रहा है ये, क्यों कमा रही है ये, है ना, तो ऐसे बोलने लगते हैं। वो चीज़ असलियत है लेकिन लोग अपने अंदर ही, वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब रहता है उनके, ठीक है तो ऐसे लोगों से पहले तो बचा करो, है ना। और दूसरी बात जैसे बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे बोल जाते हैं जिनमें बड़ी ही गूढ़ सच्चाई होती है, लेकिन मतलब ये जो आमिर टीआरटी टीम है, ठीक है तो ये काफी फनी वे में कह जाते हैं इसलिए हम लोग बस हंस के टाल देते हैं, लेकिन उनकी रील्स का मतलब अगर समझो तो यार बहुत ही ज्यादा बड़ा मतलब निकलता है उसकी चीज का, मतलब ये जिंदगी की असलियत है। ये आमिर भाई चलो दावत में ना चल रहे, नहीं यार यहाँ से हमारी दावत नहीं आई, मतलब तो दावत तो हमारी भी नहीं आई, फ्री में खाना खा जाते हैं चलो। तो ये अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है और मतलब पता भी नहीं होता है कि हाँ जैसे वो 3 Idiots मूवी में था कि भाई भूख लगी है खाना खाया है वहां जाके। अबे यार खैर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, रील्स ग्राम ने बहुत ज़्यादा अच्छा कंपाइलेशन बनाया है, तो जाकर एक बार ज़रूर वहाँ भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, और अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।